अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका फिर से मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कुवैत खबर YouTube चैनल पे। तो साथियों, आज की वीडियो में कुवैत से सबसे पहली जो खबर दोस्तों आ रही है, कुवैत पार्टिसिपेशन इन ओलंपिक रिजल्ट ऑफ टॉप लीडर बैकिंग। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि अभी ओलंपिक 2024 हो रहा है, जैसा कि आप लोगों सभी को पता होगा पेरिस में। दोस्तों, बहुत सारे मुल्क के लोग वहां पे पार्टिसिपेट किए हैं, इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, दुनिया के जितने मुल्क हैं, सभी मुल्क के अलग अलग हिस्सों से वहां जितने भी एथलीट्स वगैरह होते हैं, उन सभी ने वहां पे पार्टिसिपेट किया है। तो साथियों, यदि आप बता दूं आपको कि कुवैत के तरफ से भी बहुत सारे ओलंपिक एथलेटिक्स जो है वो पार्टिसिपेट किए हैं, जैसा कि वीडियो के स्क्रीन पे दोस्तों आप देख सकते हैं। कुवैत पार्टिसिपेटेड इन द इंटरनेशनल चैंपियनशिप विथ 9 एथलीट्स हु विल कॉम्प्लेक्स इन 6 डिजर्व गेम। साथियों, लगभग कुवैत की तरफ से 9 एथलीट्स जो कि ओलंपिक में इस बार पार्टिसिपेट किए हैं, जो कि लगभग 6 तरह के गेमों को वो लोग खेलेंगे। तो साथियों, पहले क्या होता था कि गल्फ कंट्री से बिल्कुल ना के बराबर ही लोग ओलंपिक में जाते थे, पर अब दोस्तों अच्छी खबर यह है कि अब गल्फ कंट्रियों से भी और कुवैत से भी ओलंपिक में लोग पार्टिसिपेट करने लगे हैं। तो इस साल जो है लगभग कुवैत से 9 लोगों ने एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट किया, लगभग 6 गेमों में उस लोग पार्टिसिपेट करेंगे। अगली जो खबर दोस्तों आ रही, एक्सपर्ट रिपोर्ट अनऑथराइज्ड बैंक विड्रॉल कंपनी एक्यूज। साथियों, कुवैत में बहुत सारे बैंक हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि बड़े बड़े बैंक भी हैं, और कुछ ऐसे बैंक हैं जो अनऑथराइज है, यानी वो गवर्नमेंटल अप्रूव नहीं है, उसके बावजूद भी वो लोग वहां पे कुवैत में बैंकों को ऑपरेट किया जाता है। तो उन सभी बैंकों को दोस्तों अब नोटिस भेजा जा रहा है, समन भेजा जा रहा है कि जो लोग भी कुवैत में अनऑथराइज बैंक है, वो लोगों को नोटिस दिया गया है, और सभी लोगों से ये आग्रह किया जाता है कि आप लोग ऐसे किसी बैंक में कोई भी ट्रांजेक्शन वगैरह, कोई भी ऐसा काम ना करें जिसके वजह से आगे चल के आपको प्रॉब्लम हो। क्योंकि दोस्तों, अनऑथराइज जो बैंक होता है आपको ज्यादा सुविधाएं देती है, पर आगे चल के आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स वगैरह होता है। तो भाई, आप लोग कुवैत में जो भी रहते हो, अनऑथराइज बैंक में अकाउंट को बिल्कुल भी ना खोलवाएं और ना ही उसका ज्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि आपके साथ कभी भी किसी तरह का फ्रॉड वगैरह हो सकता है। अगली जो अपडेट आ रही, आई विटनेस एंड कैमरास कैप्चर इलीगल इंसर्ट एट हेल्थ क्लिनिक। साथियों, कुवैत में आप लोग जानते होंगे हर एक जगह पे सीसीटीवी कैमरा लगा होता है, तो कुवैत में जितने भी हॉस्पिटल्स वगैरह है, तो वहां पे दोस्तों कैमरा लगना संभाविक सी बात है। तो कुवैत में बता दूं साथियों आपको कि एक हेल्थ क्लिनिक में एक शख्स के, एक प्रवासी के द्वारा वहां पे किसी को इंसल्ट किया गया था, किसी डॉक्टर को या फिर कोई भी वहां पे स्टाफ मेंबर हो, मतलब किसी का हॉस्पिटल में इंसल्ट हुआ, जो कि सीसीटीवी कैमरे में दोस्तों पूरी तरह से कैप्चर हुआ है, जिसके बाद आई विटनेस के तौर पे उसे पेश किया गया। यानी जिन्होंने ये काम किया था वो मानने के लिए तैयार नहीं था, उसके बावजूद दोस्तों कुवैत के जो कैमरा वगैरह लगा होता है उसे निकाल के लोगों को वीडियो को दिखाया गया, जिसके बाद उन्होंने स्वीकार किया। अगली जो खबर आ रही, एक्सपर्ट डाइज कंस्ट्रक्शन साइट एक्सीडेंट एज अ बिल्डिंग वॉल फॉल। दोस्तों, कुवैत में एक प्रवासी की मौत हो चुकी है। अब दोस्तों, ये घटना कैसे घटी मैं आपको बता देता हूं। एक कंस्ट्रक्शन साइट पे काम चल रहा था, वहां पे बिल्डिंग का वॉल फॉल गिरने के वजह से एक प्रवासी की वहां पे दोस्तों दुखद मौत हो चुकी है। अब दोस्तों, मौत की घटनाएं जो है लगातार आपको सुनने को मिल रहा होगा। तो फिर से साथियों, एक प्रवासी की मौत हुई है। अब ये किस मुल्क का है, इसके बारे में कोई तफसील से जानकारी नहीं दी गई है, पर जैसे कोई इस पर अपडेट्स आता है मैं आप तक शेयर जरूर करूंगा। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद।